तारीख 22 जनवरी पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसी अयोध्या से कुछ दूर है छपिया गांव। 243 साल पहले इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ, नाम रखा गया घनश्याम पांडे। बच्चा बड़ा हुआ तो वेदों और परंपराओं का ज्ञाता बना और आज इसी बालक के स्थापित किए हुए संप्रदाय के मंदिर पूरी दुनिया को हिंदू धर्म का संदेश दे रहे हैं। ये बालक आगे चलकर स्वामी नारायण कहलाया। आसान भाषा में आज जानेंगे स्वामी नारायण कौन थे, उनका घनश्याम पांडे से गुरु स्वामी नारायण तक का सफर क्या रहा, स्वामी नारायण मंदिर दुनिया के किन देशों में है, इन मंदिरों की विशेषताएं क्या हैं और अबूधाबी में बना मंदिर कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में, जहां आज हम बात करेंगे स्वामी नारायण की। अठारह फरवरी 2024 को अबूधाबी में पीएम मोदी एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। यूएई में बना ये मंदिर एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया है। पहले जान लेते हैं स्वामी नारायण कौन थे। अयोध्या के पास एक गांव है छपिया। साल 1781 में रामनवमी का दिन था। गांव के हरिप्रसाद पांडे के घर एक बेटे का जन्म हुआ, उनका नाम रखा गया घनश्याम पांडे। बचपन में ज्योतिषियों ने उन्हें देखकर कहा था बच्चा एक तेजस्वी बालक साबित होगा, दुनिया को राह दिखाएगा। खैर, माँ बाप के लिए बात आई गई हो गई। 8 साल के हुए तो बालक घनश्याम का उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार हुआ। इसके बाद उनकी शिक्षा शुरू हुई। 11 साल के हुए तो माता पिता चल बसे। इसके बाद बालक घनश्याम ने घर छोड़ दिया, पूरे देश के भ्रमण पर निकले, भारत की परिक्रमा की और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई गोपाल योगी से। गोपाल योगी उस समय के बड़े योग साधक थे, उन्होंने बालक घनश्याम को अष्टांग योग सिखाया। यहीं से बालक घनश्याम को उनका नया नाम मिला नीलकंठ वर्णी। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पीपलाणा गाँव में दीक्षा दी। उनके स्वभाव के अनुरूप स्वामी रामानंद ने उन्हें नया नाम भी दिया सहजानंद। कुछ समय बाद जब स्वामी रामानंद का उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो उन्होंने सहजानंद को अपने संप्रदाय के आचार्य पद पर आसीन किया। स्वामी रामानंद के बाद सहजानंद ने उनके धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया, गांव-गांव जाकर नारायण मंत्र का जप करने लगे। भारत में घूमते घूमते सहजानंद गुजरात पहुंचे, यहां उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की। उनके सभी शिष्यों ने उन्हें नया नाम दिया पुरुषोत्तम नारायण। जब भी देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आई उस समय पुरुषोत्तम नारायण और उनके शिष्यों ने लोगों की मदद करनी शुरू की। वो अपने अनुयायियों को हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए कहते। जल्दी उनके सेवा कार्यों से जनता भी बेहद प्रभावित होने लगी, लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और यहीं लोगों ने उन्हें नया नाम दिया स्वामी नारायण। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपकी दिलचस्पी भारत के मंदिरों और उनके आर्किटेक्चर में है तो आप अनयूजुअल टेम्पल्स नाम की किताब पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हैरान करने वाले मंदिरों के आर्किटेक्चर से जुड़ी जानकारियाँ और किससे मिलेंगे। एक ऑडियो बुक है माने बोलती हुई किताब। कहाँ मिलेगी ये ऑडियो बुक? कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू FM पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 का कोड। बहरहाल, हम जानते हैं कि स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिरों के बनने की शुरुआत कब से हुई। फरवरी 1822 में पहली बार गुजरात के अहमदाबाद में एक मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। स्वामी नारायण और उनके संप्रदाय का ऐसा प्रभाव था कि अंग्रेजों ने भी मंदिर के लिए जमीन दान में दी। ईंटों से बने इस मंदिर में लकड़ी के खंभे इसकी खासियत थी। चूंकि ये मंदिर 24 फरवरी 1822 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 24 फरवरी का दिन स्वामी नारायण संप्रदाय के लिए काफी अहम माना जाता है। फिर 19वीं सदी में ही स्वामी नारायण ने उत्तर प्रदेश से अपने दो भतीजों को बुलाया, एक को वड़ताल और दूसरे को कालूपुर मंदिर की गद्दी पर बिठा दिया। पर उनका अपने ही भतीजों को गद्दी पर बिठाना संप्रदाय के कुछ लोगों को रास नहीं आया, विरोध होना शुरू हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि स्वामी नारायण संप्रदाय दो खेमों में बट गया। घनश्याम पांडे के खेमे ने वंश परंपरा को स्वीकार किया, दूसरे खेमे ने साधु परंपरा को अपनाया। 1907 में साधु परंपरा के शास्त्री महाराज ने एक नई गद्दी की परंपरा शुरू की। इस गद्दी को नाम दिया गया बोचासन वासी अक्षय पुरुषोत्तम संप्रदाय। BAPS के नाम से भी ये जानी जाती है।
कहाँ कहाँ है स्वामी नारायण के मंदिर। बात करें भारत की तो भारत में स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर हर बड़े शहर में है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, अशोक विहार स्थित स्वामी नारायण मंदिर, हैदराबाद, कोलकाता जैसी जगहों पर मंदिर है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी स्वामी नारायण संप्रदाय के भव्य और विशाल मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में स्वामी नारायण की पूजा की जाती है। इसके अलावा विदेशों में भी स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर हैं। अकेले अमेरिका में 20 से ज़्यादा स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर हैं। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में भी स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा कनाडा और फिजी में भी इस संप्रदाय के मंदिर हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी शानदार बनावट और वास्तुकला। इन मंदिरों में भगवान कृष्ण की शैली को प्राथमिकता दी जाती है। स्वामी नारायण के जीवन काल में जितने भी मंदिर बने उनमें भगवान कृष्ण की झलक दिखाई देती है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में अभी 1000 से भी ज़्यादा मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के हैं। अब आखिर में जान लेते हैं कि यूएई में कौन सा मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है साल 2015 से। पीएम नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभाले 1 साल हो चुका था। इसी साल उन्होंने यूएई का दौरा किया। ये दौरा कई मायनों में बड़ा अहम था क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर गया था। यहाँ भारत यूएई के संबंधों के अलावा एक और बात पर चर्चा हुई, वो थी यूएई में एक हिंदू मंदिर को लेकर। फिर 2017 गणतंत्र दिवस समारोह में यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कहते हैं इसी समय इस मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ था। फिर फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिरों का शिलान्यास किया। अब 14 फरवरी को पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस मंदिर का निर्माण 55,000 स्क्वायर मीटर के विशाल क्षेत्र में हुआ है। निर्माण के लिए जमीन यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दी है। ये हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का नाम BAPS मंदिर है। इसकी ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर में 7 शिखर हैं जो यूएई के 7 एमिरेट्स को दर्शाते हैं। साथ ही इसकी दीवारों पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के पास एक गंगा घाट भी बनाया गया है जिसमें गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी। आने जाने के रास्ते पर हमेशा ठंडी रहने वाली नैनो टाइल्स लगाई गई हैं। इस मंदिर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी दर्शाया गया है। इस पूरे मंदिर को बनाने में कुल लागत लगी है 700 करोड़ रुपए। खास बात यह है इसके निर्माण में लोहे या स्टील नहीं बल्कि पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों और मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों को खास तौर पर भारत से भेजा गया है। तो आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।